नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि एक बहुत ही ज़्यादा नया एक टॉपिक है, ई समावेशन या ई इंक्लूसन या ई इंक्लूजन जो भी कहें। अब ये बहुत ही ज़्यादा नया टॉपिक है, चूँकि हम देखते आते हैं कि जिस प्रकार से मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है, उस प्रकार से हमारी शिक्षा में परिवर्तन आता है, उस प्रकार से हमारे रहन सहन में परिवर्तन आता है, उस प्रकार से हमारी सोच में परिवर्तन आता है, उस प्रकार से हमारे कार्यशैली में परिवर्तन आता है, उस प्रकार के हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, अर्थात हमारे ज्ञान में, हमारे तथ्यगत चीज़ों में, हर एक चीज़ में परिवर्तन उसी के साथ आता है जैसी हमारी आवश्यकता परिवर्तन के साथ बढ़ती जाती है या परिवर्तन आता जाता है। तो उसी मामले में अगर हम देखेंगे तो ये एक ई इंक्लूजन या ई इंक्लूसन या ई समावेशन जो हम का अर्थ टॉपिक लेकर आए हैं अत्यंत नया है। ये अपने आप में एक, अगर कहें तो समावेशी शिक्षा जो है, समावेशी शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, तो ये भी अपने आप में नया ही है। ये बहुत पुराना टॉपिक नहीं है, ये इसका भी 92 के आसपास इसका प्रादुर्भाव हुआ है समावेशी शिक्षा का। लेकिन उसमें भी अगर हम ई समावेशन का देखेंगे, ई समावेशी शिक्षा को अगर देखेंगे तो अत्यंत नया पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा का प्रादुर्भाव जिस प्रकार से आज के समय में परिवर्तनीय होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अपनी गति से विकास करता जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो चलती है वो कालक क्रम के अनुसार परिवर्तनशील होता जाता है। आज हम देखते हैं कि एक छोटा जो बच्चा होता है, वो जब बहुत छोटा होता है, वहाँ से जब चालू करता है, तो वहाँ से धीरे 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 आप देखते हैं कि उसके शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन आता है, उसके चलने बोलने में परिवर्तन आता है, उसकी मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसकी शिक्षा में परिवर्तन आता है, उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है, अर्थात हर प्रकार से एक जब आप देखेंगे कोई भी सातवां आठवां का जो बच्चा है, अगर वो पढ़ रहा है, उससे पूछेंगे कि तुम क्या बनोगे, तो वो आज के समय में कुछ कहेगा। जब वो ट्वेल्थ पास कर लेगा तो उसकी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो वो उसका जो गोल भी है प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वो अलग लेवल पर चला जाता है। तो निश्चित तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है इसी माध्यम से। तो ये जो समावेशी शिक्षा है, उस समावेशी शिक्षा में जब हम, तो समावेशी शिक्षा पहले क्या है, तो समावेशी शिक्षा आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सभी प्रकार के बालकों को एक साथ बिठा करके उसको शिक्षा देते हैं। तो जब मान लीजिए कि ये सामान्य बालक है और ये दिव्यांग या अलग प्रकार के बालक हैं, अब ये यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ दिव्यांग बालक हैं, कुछ जो हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, अर्थात जितने भी प्रकार के बालक हैं उसको, उन सभी बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ, चाहे वो तेज बच्चा हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वो अत्यंत पिछड़ा बच्चा हो, चाहे वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा बच्चा हो, चाहे वो किसी दिव्यांगता के कारण पिछड़ा बच्चा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से पिछड़ा बच्चा हो, चाहे वो बधिर हो, चाहे उसको बोलने में तकलीफ हो, अर्थात किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, समस्याओं से जो ग्रसित बच्चे हैं, उसको जब हम सामान्य बच्चों के साथ एक कक्षा में, एक भवन के अंदर, एक तालमेल के अंदर, एक पाठ्यक्रम के अंदर, एक चार दीवारी के अंदर हम एक साथ बिठा करके पढ़ाते हैं, तो उसको ही तो हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो उसी समावेशी शिक्षा में ई शब्द को जोड़ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ई शब्द को जोड़ दिया गया है, ई शब्द का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक है, ई शब्द का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनिक है, अर्थात ऐसी शिक्षा
ऐसी समावेशी शिक्षा जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी को शिक्षा प्रदान करते हैं, दैट इज कॉल्ड ई इंक्लूजन या ई इंक्लूशन या ई समावेशन शिक्षा। ध्यान दीजिए, अब ये जो ई समावेशन शिक्षा है, आप जान गए हैं कि ये ई का मतलब है क्या। तो जो मान लीजिए कि जो ई शिक्षा है, ई लर्निंग होता है, तो ई का अर्थात इलेक्ट्रॉनिक का जब हम उसके साथ जोड़ देते हैं, उसमें हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उसमें हम इंटरनेट को जोड़ देते हैं, उसमें हम वेब से संबंधित जो भी पढ़ाई होती है उसको हम जोड़ देते हैं, उसको हम जितने भी सामाजिक प्लेटफॉर्म है उसको हम उसके साथ में जोड़ देते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो ई शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा को हम जोड़ देते हैं, प्रबंधकीय शिक्षा को हम जोड़ देते हैं, जो कि हम ई शिक्षा के माध्यम से देते हैं। तो जब हम संपूर्णतया ई अर्थात इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किसी भी प्रकार की शिक्षा सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो समावेशी, ई समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब यहां पर जानने की आवश्यकता यह है कि चूंकि अब यहां पर ई समावेशी का यहां पर ताल्लुक है कि सभी बच्चों तक हम शिक्षा को ई अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाएं। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी बच्चों तक हम पहुंच शिक्षा की पहुंच को बरकरार रखें या सभी को हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा को, शिक्षा में सामर्थ्यवान बनाएं, इसके लिए हमें ई समावेशन की आवश्यकता होती है। तो चूंकि आज के भी समय में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक अपने आप में इतनी बड़ी क्रांति आ गई है कि उसके बिना आज के समय में एक बहुत ही ज़्यादा अकल्पनीय जीवन साबित होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पहले बहुत कम लोगों के पास मोबाइल सेलफोन हुआ करता था, आज मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी के पास ऐसा हो जो कि मोबाइल फोन ना हो। तो क्या, तो सबके पहुंच तक हम शिक्षा का विकास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर पाएं, उसमें क्या क्या खूबियां होती हैं, कि खूबियां ये होती हैं कि हम किसी भी स्तर पर उसको बहुत कम खर्च में हम उसको पहुंचा देते हैं। उसमें हमें भवन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसमें हमें एक कक्षा कक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसमें हमें बहुत सारे ये पाठ्य वस्तु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर सारे आपको टेक्स्ट के माध्यम से, आपको पीडीएफ के माध्यम से, आपको वीडियो के माध्यम से, आपको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपको ई लर्निंग के माध्यम से, आपको बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी हो जाती है कि हम बहुत कम समय में, बहुत कम खर्च में, बिना किसी भवन के, बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हम शिक्षा को पहुँच, शिक्षा की पहुँच को बना देते हैं। अब जब शिक्षा की पहुँच को बना देते हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तथ्य होते हैं कि जब हम आज के समय में हम क्या चाहते हैं कि सभी लोग ई साक्षर हो अर्थात ई लर्नर हो, ई लर्निंग का विकास सभी तक हो, इसी के कारण आप देखते होंगे कि सभी परीक्षाओं में, आज के समय में प्रायः सभी परीक्षाओं में देता है कि आपका कम से कम कंप्यूटर का कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य हो, इसके लिए वहां पर दे दिया जाता है कि अगर आपके पास कुछ ना कुछ कंप्यूटर का ज्ञान होगा तभी आपको चयन किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं किया जाएगा। तो अब ये ऐसा देखा जा रहा है कि अगर मुझे किसी भी प्रकार की नौकरी चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करना है, किसी प्रकार के उद्यम करने हैं, तो उसके लिए, उस उन सभी चीज़ों के लिए ई समावेशन का अर्थात ई लर्निंग का होना अत्यावश्यक हो जाता है। तो इसमें ये कहा गया कि आप सभी वर्ग के लोगों को,
चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, निचला हो, जितला हो, जो भी जितने भी प्रकार से बांटे गए हैं, खैर उसमें हम भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि मानव एक है और मानव एक है तो सब कोई एक है। उसको हम कौन होते हैं भैया दूसरे को बांटने वाले। तो सरकार ने इस प्रकार का जो इस प्रकार की पॉलिसी लाई है कि वो उसको अगड़ा पिछड़ा ये BC EC DC जो भी बनाया है, भैया हम इसमें भरोसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं भरोसा करते हैं? क्योंकि ईश्वर ने जो दिया है उसको हम समान, जब ईश्वर ने सबको समान बनाया है तो हम बांटने वाले होते कौन है? खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। तो हम सभी वर्ग के लोगों तक जब हम ई शिक्षा का प्रादुर्भाव या पहुंच का क्या करते हैं, पहुंच देते हैं, तो सामर्थ्यवान बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा या ई समावेशन की शिक्षा हम कहते हैं। तो यहां पर जब ये सारे लोग ऐसे आ गए जो कि कोई SC है, ST है, जनरल है, OBC है, EBC है, या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, EWS है, वो सारे पक्ष को, सारे बच्चे को, सारे लोगों को हम जब एक प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ पर जोड़ते हैं, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते हैं, प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ते हैं, उसी को हम ई समावेशन कहते हैं। अब इस समावेशन में भी हम क्या करते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दिव्यांगता के शिकार होते हैं। तो जो दिव्यांगता के शिकार होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मानसिक रूप से विकृत होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिसको कि सुनाई नहीं पड़ता है, जिसको कि दिखाई नहीं पड़ता है, जो कि बोल नहीं पाते हैं, जिसको कि शारीरिक अन्य गतिविधियों में दिक्कत है, या अन्य चीज़, या फिर शैक्षिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे सभी लोगों को, सभी स्तर के लोगों को और सभी प्रकार के लोगों को हम क्या करेंगे, ई लर्निंग से जब हम जोड़ देते हैं, ई समावेशन से हम जब जोड़ देते हैं, ई शिक्षा से जब हम जोड़ देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम जब सभी प्रकार के बच्चों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा को की पहुंच को बरकरार रखने में या उसको सामर्थ्यवान बनाने में तत्पर होते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि सब तक ये शिक्षा पहुंच पाए, उसी को हम क्या कहते हैं, ई समावेशन की शिक्षा या ई इंक्लूजन या ई इंक्लूसन की शिक्षा हम कहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आप ये ई इंक्लूजन या ई समावेशन की शिक्षा को आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।